हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले मैं बता दूँ कि आज मैं पेंडुलम रीडिंग करूँगी। कुछ सवालों के जवाब हम पेंडुलम से लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम कार्ड्स की एनर्जी चेक करेंगे क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आप ये पेंडुलम कार्ड में आप देख सकते हैं, येस और नो आंसर कार्ड है ये। तो यहाँ पर येस है, तो स्ट्रेट में येस है, और यहाँ पर नो है, तो आप उससे गेस कर सकते हैं। अगर स्ट्रेट जाएगा पेंडुलम तो इट्स अ येस, अदरवाइज इट्स अ नो। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। अपने मन में कुछ सवाल लीजिए ताकि मैं आपके सवाल पिक कर सकूँ और आपको आपके सवालों के जवाब दे सकूँ पेंडुलम के द्वारा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहला सवाल जो मुझे पिक हो रहा है, सबसे पहला सवाल, आप में से कई लोग जानना चाहते हैं कि आपका मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब है। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, क्या वो ठीक हो जाएगा? इट्स अ येस और नो एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिनका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, क्या वो ठीक हो जाएगी मैरिड लाइफ? इट्स अ स्ट्रेट, इट्स अ येस। आप देख पा रहे हैं, इट्स अ येस, राइट, इट्स अ येस। कब तक हो जाएगी एंजल्स, कुछ गाइड कर दें। कौन से मंथ, कौन से डे, कौन से ईयर, जो भी डिवाइन एनर्जीज यहाँ मेरी मदद कर रही हैं प्लीज़ गाइड करें। कौन से डे, कौन से मंथ, कौन से ईयर? नवंबर, नवंबर, आने वाले समय की बात करेंगे, पीछे की बात नहीं करेंगे। नवंबर, नवंबर तक काफ़ी लोगों के, अक्टूबर नवंबर के बीच में काफ़ी लोगों का यूनियन होगा। कुछ लोगों का सेपरेशन बहुत लंबे समय से है, मैक्सिमम मई 2025 तक, मैक्सिमम, मिनिमम नवंबर, अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में भी संडे और सैटरडे के बीच में, संडे एंड सैटरडे के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा सवाल लें। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, पहले इसको हम रोकते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जो भी डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन पावर्स यहाँ पर मेरी मदद कर रही हैं। जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनको मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे, येस और नो? येस और नो एंजल्स, प्लीज़ थोड़ा फास्ट मूव करें ताकि हमारे दर्शकों को भी आपकी एनर्जी फील हो। येस और नो, इट्स अ येस। ओके, कब तक एंजल्स? अगर येस है तो कब तक कॉल मैसेजेस आ सकते हैं मेरे व्यूवर्स को जो नो कांटेक्ट में हैं, प्लीज़ बताएं। एनर्जी टर्न हो रही है, सितंबर में ही आएंगे कुछ लोगों को तो, वाओ। अगर आपकी राशि मीन है, वृश्चिक है, वृषभ है, मेष है, तो सितंबर में ही आ सकते हैं। अदरवाइज अगर सितंबर में किसी को नहीं रिसीव हुए एंजल्स, अक्टूबर, कुछ लोगों का ब्रेकअप अगस्त में हुआ है,
अगर किसी का ब्रेकअप अगस्त में हुआ है तो उनको थोड़ा लंबा समय वेट करना पड़ सकता है। कब तक एंजल्स? जनवरी या फेब्रुवरी तक आपको वेट करना पड़ सकता है अगर आपका ब्रेकअप अगस्त में हुआ है तो। क्या अक्टूबर में भी कुछ लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो जाएंगे? अक्टूबर एंजल्स, जी बिल्कुल, अक्टूबर, सितंबर, फरवरी, जनवरी, ये 4 मंथ हैं जिस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो है। सीधियर, सितंबर, अक्टूबर, फरवरी, जनवरी, ये मंथ्स हैं जिनमें एनर्जी का फ्लो सबसे ज़्यादा है। मेरे व्यूवर्स, और क्या सवाल है आपके? क्या लूँ मैं सवाल? मैसेजेस, मैसेजेस देखें या कोई और सवाल है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एक सवाल और मुझे पिक हो रहा है। अगर कोई ब्रेकअप में है एंजल्स, मेरे व्यूवर्स में अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, बहुत बुरी तरह से बात बिल्कुल नहीं हो रही है, तो क्या उन्हें होप रखनी चाहिए? यस और नो? किसी का बहुत बुरी तरह से अगर ब्रेकअप हुआ है, सब कुछ उनको लग रहा है ख़त्म हो गया है, तो क्या उन्हें होप रखनी चाहिए? अगर यस है तो स्ट्रेट हो जाएं एंजल्स, अदरवाइज मैं नो काउंट करूंगी इसे। मैं 10 तक गिनूंगी, अगर 10 तक ये स्ट्रेट हो जाता है तो यस होगा, अदरवाइज इट्स अ नो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इट्स अ नो, इट्स अ नो। अगर आप बिल्कुल ब्रेकअप हो गया है, आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो इट्स अ नो। कलेक्टिव रीडिंग है बट यहाँ पर नो की वाइब्स ज़्यादा है, मतलब ज़्यादातर लोगों के पार्टनर जिनका बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है कि इट्स अ नो, राइट? तो ये मैंने कुछ कार्ड्स से आपके येस और नो के सवाल लिए हैं। मुझे 3 सवाल ही पिक हुए तो मैंने 3 सवाल ही लिए। अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो आप कमेंट में दिया कीजिए, तो मैं डेली आपके लिए पेंडुलम रीडिंग से येस और नो देखूंगी। सवाल कमेंट में दीजिएगा, जो सवाल मैंने लिए हैं, ये सवाल या कोई और सवाल, जो भी आपके सवाल हैं, इवन अगर आपका सवाल करियर से रिलेटेड है, कोई भी सवाल है, हेल्थ से रिलेटेड है, तो भी आप दीजिएगा, कोशिश करेंगे हम। और साथ में अपना नाम लिख कर दीजिएगा, ताकि अगर मुझे लगे कि बहुत कम सवाल हैं उस सिचुएशन से रिलेटेड, तो मैं आपके नाम से ही देख लूँगी। लेट्स चेक मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए, आपके पर्सन के। विल टेक 3 कार्ड्स फॉर मैसेजेस। ओके, मैं जैसे ही नंबर्स बोलती हूँ ये ज़्यादा दे देते हैं, ताकि मुझे पूरे रीड करने हों। और कोई तो नहीं आया? बॉटम ऑफ द डेक से है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव लव विद जस्टिस, वाओ। देन वी हैव सन विद 9 ऑफ वाटर, 7 ऑफ एयर, 8 ऑफ अर्थ एंड 2 ऑफ फायर। तो आप में से बहुत सारे लोगों का सबसे पहले तो मैसेज है, मे बी आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कलीग्स हैं, सेम ऑफिस में काम करते हैं, सेम वर्क प्लेस हो सकता है, सेम बिल्डिंग हो सकती है, या आपके पार्टनर और आप सेम कॉलेज में हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का मैसेज है कि ये आप पर नज़र रखते हैं पूरी तरीके से, बट किसी फियर के कारण ये बात भले ना कर पा रहे हों, बट ये आप पर पूरी नज़र रखते हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, इन्होंने आपसे बात नहीं करनी, या बात नहीं कर रहे हैं तो इन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है, तो ऐसा नहीं है।
ही और शी केयर्स फॉर यू और ये आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। दूसरा, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का उनके परिवार के साथ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है जिसके कारण वो अभी इस वक्त आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े टाइम में वो आपसे बात करेंगे, ये भी मैसेज है। कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है, वो वापस आ रहे हैं, आपसे मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के पर्सन का प्रमोशन हुआ है, ये गुड न्यूज़ ये आपको देना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन की इच्छा है कि ये आपके साथ किसी वाटरी एरिया में जाएं, जैसे बोटिंग करने या किसी पिकनिक स्पॉट पे, तो ये बहुत जल्द आपको लेकर वहाँ जा सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने ये मैसेज देना है आपको कि इन्होंने आपको चीट किया है, तो ये आपको सच बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपको चीट किया है। मे बी किसी दोस्त के साथ इनका कोई अफेयर हो और आपसे छुपा कर हो, तो ये आपको सच बताना चाहते हैं, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं। इसके अलावा इनको पछतावा भी है, रियलाइजेशन भी है कि हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला था, या हाँ मैंने तुमसे कुछ छुपाया था, या हाँ मेरा किसी के साथ कोई अफेयर था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ बट अब नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है जिससे रिलेटेड कोई खबर आपको आपके पर्सन दे सकते हैं। और लास्ट, आपके पर्सन का कुछ रोमांटिक मैसेजेस आप तक आ सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद। यहाँ पर 2 नंबर और 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली 9 नंबर। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये रीडिंग जब भी आपके सामने आए विद इन 9 आवर्स और विद इन 27 आवर्स इसकी एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।